नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 3 को। यह हमारी 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, ये असेसमेंट वर्कशीट आपके क्लास टेस्ट या फिर यूटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको खुद कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप खुद करोगे तो खुद को असेस कर पाओगे, खुद का आंकलन या मूल्यांकन कर पाओगे कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितना सीखा, कितना आपने जाना। अगर आप खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं करना चाहते तो भी एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है, आप ट्राई कीजिए, इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपने सॉल्यूशन या आंसर्स को मैच कर सकते हो इस वीडियो के साथ। बस इतना ही करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 की। आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 ऑब्जेक्टिव रहेगी, यानी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए वो सभी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, हमें सही विकल्प का चयन करना है। इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 में हमें बस की यात्रा पार्ट से एक गद्यांश दिया गया। सबसे पहले हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, इस पर आधारित बाद में जो प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना होगा। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। हम 5 मित्र, मतलब लेखक और उनके 4 मित्र। उन 4 मित्र के साथ जो लेखक है वो कहीं पे घूमने गए थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि घर जल्दी पहुंचना है, क्योंकि उनमें से 2 मित्रों को जल्दी घर पहुंचना है। तो उन्होंने डिसाइड किया, तय किया कि शाम की 4 बजे वाली जो बस है उसे चलते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की, यानी कि पन्ना कंपनी की जो बस थी वो सतना के लिए घंटे भर बाद उनको वहां पर मिलने वाली थी, यानी कि शाम के 4 बजे वाली ये बस थी जो जबलपुर की ट्रेन से मिलवा देती और सुबह घर वो आसानी से पहुंच सकते थे। यानी कि वहां से वो पन्ना की जो बस थी पन्ना कंपनी की वो सतना के लिए मिलती और सतना से उन्हें जबलपुर वाली ट्रेन मिल जाती है और ट्रेन पकड़ करके वो सुबह आसानी से घर पहुंच सकते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम शाम की 4 बजे वाली बस से जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि उनको ऑफिस जाना था, इसलिए वापसी का एक यही रास्ता अपनाना जरूरी था, तभी वो सुबह घर पहुंच सकते थे और कोई उनके पास विकल्प या रास्ता नहीं था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं किया करते। अब जब ये सलाह दी तो उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग। अब क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन थे। अब मन में विचार आता है, क्यों भाई शाम की 4 बजे वाली बस से क्यों नहीं जाना, रास्ते में डाकू मिलेंगे क्या? लेकिन बाद में पता चलता कि नहीं, बस डाकिन थे। डाकिन मतलब डाकू का स्त्रीलिंग शब्द डाकिन होता है, वो वाली डाकिन नहीं, बस ही डाकिन थी। जब बस को देखती ना तब सारी कहानी समझ में आती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा किसके सामने उमड़ती है? जो बुजुर्ग होते हैं उनके सामने उमड़ती है। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध बस थी, यानी कि बिल्कुल बूढ़ी बस थी, खटारा बस थी, उसका पुर्जा बिल्कुल हिला हुआ था, सदियों के अनुभव के निशान लिए थी, यानी कि उसके पर चारों तरफ क्रोन्स वगैरह के निशान लगे हुए थे, बिल्कुल जिसको खटारा कह सकते हैं, डबल खटारा कह सकते हैं, इस प्रकार की बस थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, यानी पूरा माजरा समझ में आ गया कि जो रिश्तेदार थे, जो उनके शुभचिंतक थे, इसीलिए कह रहे थे इस शाम वाली 4 बजे वाली बस से मत जाओ, ठीक रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। और लोग थे वो भी उसमें सफ़र करने से बचते थे। तो यहाँ पर व्यंग किया गया। व्यंग समझते हो ना, व्यंग एक विधा होती है जिसमें मजाक में अपनी बात कह भी दी जाती है और सुनने वाले या फिर पढ़ने वाले को बुरा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है, बस के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है कि लोग इसलिए शायद इसमें सफर नहीं करना चाहते कि जो वृद्धावस्था में बस है इसको कष्ट होगा, तकलीफ होगी। ओके, यानी कि बस की खटारा हालत के ऊपर यहाँ पर कटाक्ष किया जा रहा है। यह बस पूजा की योग्य थी, इतनी बूढ़ी थी कि उसके ऊपर चढ़ा थोड़ी जाएगा, पूजा की जानी चाहिए इसके, तो थाली ला करके उसकी पूजा की जाए, उस योग्य थी ये बस। और जब पूजा की योग्य थी, इतनी बूढ़ी थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब बस की कंपनी के जो एक हिस्सेदार थे वो भी उसी बस से जा रहे थे। हिस्सेदार मतलब आमतौर पे जो गांव में बस चलती है उसमें कई सारे पार्टनर होते हैं, तो जो बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे वो पार्टनर जो थे वो भी उसी बस से जा रहे थे। अब लेखक ने और उनके मित्रों ने उनसे पूछा, भाई साहब ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती है क्यों नहीं जी, अभी थोड़ी देर में देखना बस चलेगी। चलेगी क्यों, ये तो उड़ेगी। अब हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि क्या बस वास्तव में चलेगी, शकल से तो नहीं लगता कि ये चलेगी, अपने आप चलती है क्या? हाँ जी, और कैसे चलेगी। अब उन्होंने मजाक करते पूछा कि भाई अपने आप चलेगी या धक्का वक्का लगाना पड़ेगा? तो हिस्सेदार है वो कहता कि हाँ जी क्यों नहीं, अपने आप चलेगी और कैसे चलेगी। गजब हो गया, हैरान रह गए, हक्का बक्का रह गए लेखक और उनके चारों मित्र। अब बस चली, अपने आप चली, बिना धक्के के चल पड़ी। उन्हें लग नहीं रहा था शकल्स को देख करके कि ये खटारा बस स्टार्ट होगी, लेकिन वो चल पड़ी।
हम आगा पीछा करने लगे। अब जो लेखक थे, उनके मित्र थे, उनमें से दो का मन थोड़ा सा खट्टा होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब आगा पीछा करने लगे कि चढ़ें ना चढ़ें, जाएं ना जाएं, सुबह चले जाएंगे, दो दिन की छुट्टी लग जाएगी, यानी वो आगा पीछा करने लगे। अब डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। जैसे बड़े बुजुर्ग का अनुभव होता है ना, तो यहाँ पे कटाक्ष किया गया कि बस अनुभवी बुजुर्ग है, तो बड़ा एक्सपीरियंस है इस बस के पास, और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, मतलब विश्वास करने की योग्य है, और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी। यानी कि यहाँ कटाक्ष किया गया था, जैसे बड़े बुजुर्ग ध्यान रखते हैं ना बच्चों का, तो डॉक्टर मित्र ये कहते हैं कि डरो मत, ये भी एक्सपीरियंस्ड बस है, बड़ी बुजुर्ग है, तो हमारा ध्यान ज़्यादा रखिए। अब वो सारे, यानी कि लेखक और उनके चारों मित्र बस में बैठ जाते हैं, और जो छोड़ने के लिए आए थे उनको वो इस तरीके से देख रहे थे जैसे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो। यानी उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा भी, राजा, रंक, फकीर, यानी कौन यहाँ पे रुकता है, जिसको आना है उसको जाना है, और आज हो सकता आपकी अंतिम यात्रा हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त का मतलब होता है कारण चाहिए। तो यहाँ पर फिर से व्यंग किया गया कि जो लोग थे उनको ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी ये अंतिम यात्रा हो, जैसे उनको लग रहा था कि पता नहीं ये मंजिल पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, खटारा बस है, क्या भरोसा ब्रेक व्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा, रात को ये चलेगी तो रात को क्या पता इसकी लाइट वाइट जलेगी या नहीं जलेगी, ओके, इसलिए उनको ऐसा लग रहा था। तो ये था हमारा गद्यांश, अब इस पर आधारित रहेंगे हमारे आज के प्रश्न। बेहद आसान है, पहला जो प्रश्न दिया गया, लेखक अपने कितने मित्रों के साथ सफर पर निकला था, यानी कि लेखक के मित्र बताने, पांच थे, लेखक एक तो लेखक हो गए, उनके मित्र कितने थे, तो विकल्प दिए गए, पहला 4 मित्र, दूसरा 5 मित्र, तीसरा 6 मित्र, और चौथा है अकेले। तो इसमें सही विकल्प आपका ए रहेगा, 4 मित्रों के साथ, यानी लेखक और उसके 4 मित्र थे, ठीक। तो यहां पे यही पूछा ना, लेखक के मित्र कितने थे, तो उसके 4 मित्र उसके साथ थे, तो वो मिलकर के 5 हो जाते, तो हमारा ए विकल्प है वो सही रहेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी, पहला है विकल्प दिया गया, रास्ते में डाकू मिलते हैं, बस डाकिन है, समझदार लोग हैं वो शाम वाली बस से सफर नहीं करते, और चौथा विकल्प दिया गया, बस खटारा है। तो सही हमारा आंसर रहेगा से, यानी उन्होंने कहा था कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, तीसरा प्रश्न दिया गया, बस खूब व्योवृत्त थी, इस पंक्ति का आशय क्या, इसका अर्थ क्या, व्योवृत्त कैसे थी वो। पहला विकल्प है बस नई नवेली थी इसलिए उसे कहा गया, दूसरा बस डाकिन थी, तीसरा बस बहुत सुंदर थी, चौथा बस बहुत पुरानी थी। तो इसमें सही विकल्प आपका दे रहेगा, बस बहुत पुरानी थी इसलिए उसको व्योवृत्त कहा गया। तो पहले 3 प्रश्नों को एक बार फिर से देख लीजिए, पहले प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा ए, दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा आपका से, तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा आपका द, यानी कि बस बहुत पुरानी थी। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं, चौथा हमारा प्रश्न दिया गया कि जो लोग यात्रियों को छोड़ने आए थे वे यात्रियों को किस नज़र से देख रहे थे, ये हमें बताना है, यानी कि वो यात्रियों को कैसे देख रहे थे। पहला विकल्प है वो ऐसे देख रहे जैसे यह उनकी अंतिम यात्रा हो, जैसे यह उनकी पहली यात्रा हो, तीसरा विकल्प दिया गया जैसे यह उनकी दूसरी यात्रा हो, और चौथा विकल्प दिया गया ये सभी। तो इसमें सही विकल्प हमारा ए रहेगा, वो उन यात्रियों को, यानी कि लेखक और उनके मित्रों को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी ये अंतिम यात्रा हो। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया, चलिए उसको भी देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न रहेगा, बस से यात्रा के बारे में डॉक्टर मित्र ने क्या बोला था, ठीक। उन्होंने कहा था बस अनुभवी है, दूसरा उन्होंने कहा था कि बस विश्वसनीय है, तीसरा विकल्प यह है कि बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर के चलेगी, चौथा विकल्प यह है यह सभी। तो इसमें सही जो हमारा विकल्प रहेगा वो रहेगा विकल्प द, ये सभी, ठीक। उसके बाद 6ठा प्रश्न दिया गया, किसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा जग गई थी, पहला लोगों को देख करके, दूसरा मित्रों को देख करके, तीसरा बस को देख करके, चौथा डॉक्टर मित्र को देख करके। तो इसमें सही विकल्प आपका रहेगा स, यानी कि बस को देखकर के लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। 7वां प्रश्न दिए गए, राजा शब्द का विलोम रूप क्या होगा, विलोम समझते हो ना, विपरीत आर्थक शब्द कौन सा होगा, पहला है राजा का विपरीत आर्थक विलोम शब्द होगा बादशाह, दूसरा बेगम, तीसरा रंक, और चौथा है राजी, ठीक। तो इसमें सही विकल्प हमारा रहेगा स, राजा का विलोम शब्द होता है रंक, ठीक, फकीर, तो ये रंक शब्द है वो रहेगा हमारा सही विकल्प। तो यहाँ पे देखिए 5वां, 6ठा और 7वां, 5वां जो प्रश्न है इसमें आपका सही विकल्प रहेगा द, ये सभी, 6ठा प्रश्न है इसमें आपका सही विकल्प रहेगा स, यानी कि बस को देख करके, और 7वां जो प्रश्न है इसमें आपका सही विकल्प रहेगा स, यानी कि रंक। अब हम नेक्स्ट यानी कि 8वें प्रश्न को देखते हैं,
आठवां जो हमें प्रश्न दिया गया, निमित्त शब्द का अर्थ क्या, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है शाम, दूसरा विकल्प है रात्रि, तीसरा विकल्प है जीवन, चौथा विकल्प दिए गए कारण। सही विकल्प आपका रहेगा द कारण, निमित्त का अर्थ होता है कारण। ठीक, उसके बाद नौवां जो हमारा प्रश्न रहेगा, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पहला डाकुनी, दूसरा डाकिन, तीसरा डकेती और चौथा दिया गया डाकुन। ठीक, तो इसमें सही विकल्प हमारा रहेगा ब, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा डाकिन। ठीक, उसके बाद दसवां हमारा प्रश्न रहेगा, विश्वसनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में जोड़ करके एक नया शब्द बनाता है और उसके अर्थ में बदलाव लेकर के आता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो यहां पर हमें प्रत्यय फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो पहला इसमें नी है, यानी कि नीय प्रत्यय, दूसरा ईय प्रत्यय, चौथा तीसरा विकल्प दिया गया किसमें सनीय प्रत्यय, चौथा विकल्प दिया गया इसमें विश्व प्रत्यय। तो सही विकल्प आपका ए रहेगा, विश्वास जमा में निय से मिलकर के बनता है विश्वसनीय। ठीक, तो निय यहां पर प्रत्यय रहेगा। तो एक बार फिर से देखिए, जो आठवां आपका प्रश्न है इसमें सही विकल्प आपका कारण रहेगा यानी कि द, जो नौवां प्रश्न है इसमें आपका सही विकल्प ब रहेगा यानी कि डाकिन, जो दसवां आपका प्रश्न है इसमें सही विकल्प आपका रहेगा अ यानी कि निय। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये असेसमेंट वर्कशीट आपको अच्छी लगी हुई, ठीक से समझ में आया होगा। आपकी सभी असेसमेंट वर्कशीट है वो टाइम से बहुत पहले पब्लिश कर दी जाती है, आपकी सभी वर्कशीट है उनकी भी कोशिश की जाती है कि बहुत जल्दी सबसे पहले आपको दे दी जाए, आपको पहले ही मिल जाती है ना, पहले दिन मिल जाती है, कई बार दो दिन पहले मिल जाती है। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, आप सपोर्ट कीजिए अपने इस वीडियोज़ को, जो वर्कशीट के वीडियोज़ है, जनरल वीडियोज़ है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, स्टेटस पर लगाया जा सकता है। सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत सारे बच्चे करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।